जुलूस निकलता है। अगर जैसा कुछ प्लान आगे पीछे हुआ तो हमको और हम आपका बेटा आया। हाँ पूरा खड्डा रहता है जहाँ तहाँ। चलो अभी पी लेंगे तो आप सबसे हम लोग शेयर करेंगे। और यहाँ पर हमारा सर लोग है जो कि हमारा बहुत खातिरदारी के लिए लगे हैं कि झगड़े वगड़े ना हो, कुछ मसला। तो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब, वेलकम है आप सबका अमरीन समीर ब्लॉग में। तो गाइस आज है बुधवार की सुबह और मैं नाश्ता पानी करके सारा घर से बाहर निकला टहलने के लिए। तो मैंने बोला जरा टहलते टहलते मैं किसको लेके निकलता हूँ, अपनी बाइक को, सॉरी साइकिल को। तो लेके निकला हूँ, बोला थोड़ा इसको भी चलाऊँगा, थोड़ा अच्छा रहेगा। हाँ और आज तो ऑफिस की छुट्टी है तो 2 या 2:30 या 3 बजे 4 बजे शायद जुलूस निकलेगा, तो आप सबसे शेयर करूँगा। बच्चे लोग गए हैं स्कूल और नजमा घर के काम कर रही है। सुबह के बज रहे हैं 9:41, तो मैंने सोचा ज़रा बाहर टहल लेता हूँ, आप सबको भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। धानू तालाब के पास जाके घूम के आता हूँ, ज़रा देखता हूँ कल विसर्जन हुआ है तो आप सबसे ज़रा शेयर करूँगा कि कैसा होता है क्या होता है। ठीक है, करते हुए तो नहीं बताया लेकिन एंड में बता रहा हूँ। ठीक है, फिर अभी जाऊँगा थोड़ा कुछ सामान वामान लेने के लिए, आप सबसे वो भी शेयर करूँगा। ऐसे अंकल को आया था मेरी साइकिल दिखाने के लिए, क्योंकि यहीं से मैंने साइकिल लिया था ना, जो जो स्टेशन लेके जाता हूँ तो यहीं लिया था। अंकल ने बोला था कि तेरे, मैं इनको बोला कि मेरे पास साइकिल है लेकिन मैं स्टेशन नहीं ले गया, बोले हाँ ठीक है ला के दिखाना। तो दिखा दिया हूँ अंकल को, तो अंकल बोले हाँ यार अच्छी साइकिल है। तो चलो फिर आप सबको मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। तो मैं घूमते घूमते आ गया हूँ गौरई पाड़ा की तरफ, जो कि यहाँ पर बहुत अच्छी दुकान है गोश्त की। तो आज मैंने सोचा हूँ कि बकरे का गोश्त खाने का दिल कर रहा है तो मैं पूछता हूँ क्या प्राइस है, तो आप सबसे वो भी शेयर करूँगा। यह है गौरई पाड़ा, चलो चलते हैं इधर। 1 किलो 500 रुपये का था तो मैंने आधा किलो लिया 250 रुपये में, क्योंकि बहुत दिन के बाद दिल कर रहा था खाना खाने का और मैंने अपनी बाइक इधर खड़ी किया दो। चलो अभी चलता हूँ और निकलूँगा और भी थोड़ा कहीं घूमूंगा, आप सबसे वो भी शेयर करूँगा, थोड़ा घूमूंगा फिरूंगा मेरी साइकिल को भी, जैसा कि आप सबको मैंने बताया था कि घुमाऊँगा फिराऊँगा मजबूत। तो अच्छी रहेगी, अगर रखे रखे जंग खा जाएगी ख़राब हो जाएगी तो अच्छी बात नहीं, क्योंकि किसी का दिया हुआ गिफ्ट मुझे अच्छे से यूज़ करना है इसका। तो गाइस जैसे कि मैं वीडियो यहाँ पर खड़े रह के बना रहा था तो दो भाई लोग पूछ रहे थे कि भाई ब्लॉगर, मैं बोला हाँ देखो यहाँ पर खड़े हैं लोग, और ये मेरे को पूछ रहे कि तेरा चैनल का नाम क्या, तो मैं बता रहा हूँ नाम, और 2 सब्सक्राइबर मेरे बढ़ गए, 1 के 2 चलेगा, 1 की कोई बात नहीं, धीरे 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 बढ़ेंगे। चलो फिर मैं सब्सक्राइब करवाता हूँ और थोड़ा आगे जाऊँगा तो आप सबसे वो भी शेयर करूँगा कि और कहाँ जाने वाला हूँ। तो ऐसे ही टहलते टहलते मैं आया था कहाँ पर, जहाँ से मैंने कबट और सोफ़ा बैठ लिया था ना, उधर पर आया था अंकल की दुकान पर। देखो यहाँ है एक, सबसे पहले ये दुकान है, फिर ये है, फिर आगे वो है। तो आप लोग भी आके ले सकते हैं कम प्राइस में, अच्छा है, ठीक है, आके ले सकते हैं, मस्त है एकदम। और मेरा अंकल साइकिल देखे तो बोलते हैं, अरे यार मैं तो पहली बार देखा जा रहा साइकिल, और अंकल कुछ बोलेंगे तुम्हारा बेटा तो आ गया है उस पर टीवी पे, आपका बेटा आया। हाँ अरे टीवी पे आ गया, मोबाइल में जो वीडियो बनाया था ना कल परसों, जो कबट का पूरा सब कुछ, तो ये मेरे साइकिल देख रहे हैं, अंकल है, भाई है, और यहाँ पर और भी अंकल है। ठीक है, तो ऐसे कैसे अपना पैर सपोर्ट बना के रखूं, गाड़ी कैसे बताइए, पहली बार देखा हूं ऐसा। अरे अंकल मैं खुद लेके निकलता ना तो मेरे को यकीन नहीं था बाकी, अभी क्या बोलूं, अभी छोड़ो मैं भी है ठीक है। तो चलो गाइस बहुत सारी बातचीत हो गई, अभी मैं निकलता हूं यहां से, बहुत सौदी है। हां और तो मोड़ में आ जाएगा तो उसको लेके छोड़ेगा। अरे बाप रे बाप, तो साइकिल के इधर पे दीवाने हैं अंकल के पोते, लेकिन है ही नहीं, अभी बोलता जो बाइक लेके चल रहा था इसको बेचूंगा कार। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है इंशाल्लाह। चलो अंकल निकलता हूँ मैं, चलो फिर चलता हूँ गाइस। हाँ हाँ चलो अंकल, चलो भाई मैं जा रहा हूँ। हाँ क्या, और ये है मेरा न्यू सब्सक्राइबर, और ये इनको आप लोग तो देखे रहेंगे वीडियो में, जो कबट उठा रहे थे पलंग उठा रहे थे यही भाई थे। और ये मेरे को पूछे कि क्या प्राइस है, तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है, तो अगर मैं बोला नहीं यकीन आया तो फ्लिपकार्ट पे सर्च करके देखो, तो देख लिए सर्च करके ना भाई, सच कह देगा ना 45 का या ना साइकिल की प्राइस। ठीक है चलो निकलता हूँ, तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो जिसको आना है यहाँ पर आके ले सकते हैं, कम प्राइस में मिल जाता है। ठीक है, अगर आप लोग शोरूम में जाएंगे ना तो भाई फिर आप समझ जाना, तब तक के लिए चलो बाय बाय बाय। क्या
सो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ कहाँ पर, तालाब के पास, धानु तालाब जिसको बोलते हैं। मतलब थोड़ा आके आपका उसमें भी ज़रा आपको ज़रा वीडियो बना के तक बता दूँ। और जो यहाँ की पब्लिक है ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है विसर्जन करने के लिए, सब इधर ही विसर्जन होता है धानु तालाब में। देखो यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर सब छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे गणपति विसर्जन किए रहेंगे शायद, हो सकता है। और एक इधर है, यहाँ का पूरा ऐसा सीन है कुछ सुबह सुबह का। तो चलो फिर चलते हैं घर पर, ऐसे ही मैं बोला आपको थोड़ा व्यू बता दूं इधर का। बहुत दिन के बाद आया हूँ मेरे अंकल के पास में, जो कि साइकिल वाले मेरे अंकल है, आप सबको पता ही है। ये देखो मेरे अंकल से मिलते हैं। और अंकल कैसे हैं? सही है भाई, काम बढ़िया है। और ये भी एक भाई है, और ये हमारे कारीगर है जो मेरे साइकिल बनाते थे। क्या यार साइकिल यार, हंसी आती है कि साइकिल कैसा चोरी हो गए मेरी, बोलो साला। ठीक है मैं देखने आया हूँ कि यहाँ पर जूने में कुछ साइकिल है कि नहीं। तो एक साइकिल अंकल ये वाली बताए हैं, तो इसका प्राइस है 1200 रुपये। तो मतलब देखता हूँ ज़रा, अगर कुछ रहेगा तो फिर खरीद दूँगा। और ये वाली भी अच्छी लग रही है, लेकिन ये ग्राहक की है, ये अच्छी साइकिल लग रही है। इसका प्राइस तो 12 नहीं हो सकता, इसका प्राइस तो डबल ट्रिपल चौबल होगा। तो चलो फिर कुछ बातचीत करते हैं, फिर आप सबको थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। देखो गाइस घूम के आए, देखो साइकिल पूछा तो पूरा मट्टी कीचड़ लगा के है पूरा साइकिल है, इतना नहीं लगा लेकिन है हल्का फुल्का है, पूरा खड्डा के रहता है जहाँ तहाँ। कल ये धो दो तो फिर अंदर का है। तो गैस हम लोग का नाश्ता पानी हो गया है, अब झाड़ू पोछा बर्तन यही सब काम तुम्हारा, तो चलते रहे नहाना धोना। तो साइकिल की पूरी पोछम पाछी हो गई है सही सलामत, उसको मैंने खड़ा कर दिया हूँ यहाँ पर जहाँ से निकाला था। और अभी फ्रेश होता हूँ और आप सबको मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद में। तो गाइस जैसा कि दोपहर के बज रहे हैं 12, और मैं आ गया हूँ मेरे बच्चे लोग को लेने के लिए स्कूल के लिए, और मैं फ्रेश हो गया वहाँ से आने के बाद। तो अभी अमरीन और समीर आएंगे तो आप सबसे उन लोग को मिलाऊंगा। यह है मेरे बच्चे लोग की स्कूल। चलो फिर वेट कर रहा हूँ, अभी छुट्टी होएगी तो मिलाता हूँ। बेल तो बज गई है, अभी देखते आएंगे तो आपसे शेयर। मेरा बेटा इधर ही खड़ा है, आप दिखेगा इसको। और अमरीन आती का कौन सा दुकान कौन सा है क्लास? अभी आएंगे ना, चलो 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 आओ आओ आओ, चलो छुट्टी हो रही है गाइस, सबको बताता हूँ। आप सबको हैं तो अपने अपने बच्चे लोग का नाम ले लेके आवाज़ देते सब ऐसा आते हैं। देखो आया मेरा बेटा, अरे अरे गाइस को वेलकम तो करो। अल्लाह अल्लाह सॉरी सॉरी सॉरी, गाइस को वेलकम करो बेटा। ला मेरा बेटा, मैं बैग ले लेता हूँ। हाँ सी लो सारा निकालो, ये मेरे बेटे का बैग लिया मैंने। गोलू इधर था बेटा, अरे अप्पी को तो लेने दे, इधर आ। अभी अप्पी को लेना है ना, वेलकम करो जल्दी गाइस को। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसा सर वेलकम, आप लोगों का मुझे सुन रहा। क्या दौर आ गया यार, मैं अपने बच्चे लोग को लेने के लिए आया हूँ। हे गाइस मेरी बेटी इधर आई है। अभी अमरीन का आराम लेता हूँ। आजा मेरा बेटा, अमरीन को बुला, अमरीन को, अमरीन 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 आजा बेटा। अरे आ गए, अरे मेरी बेटी इधर आ गए बाबा, देखो कैसा भाग रही है। ओ वेलकम तो करो जल्दी गाइस को, पहला लाओ जल्दी, तुम्हारा बर्फ दो जल्दी, मेरे को दो जल्दी दो बेटा, लाओ चलो जल्दी छोड़ो। अरे मेरा बेटा कैसा लगा मम्मी स्कूल? तो चलो गाइस मेरे बच्चे लोग आ गए हैं, अमरीन इधर आ। तो गाइस मेरे दोनों बच्चे आ गए हैं यहाँ पर, अमरीन और किधर गया समीर, इधर। तो चलो चलते हैं जल्दी जल्दी घर पर। अमरीन गाइस को वेलकम तो करो बेटा। तो चलो मेरी बेटी से आपको मैं बात कराता हूँ, मेरी बेटी से। देखो इधर है, वेलकम करो, छाटी चलो बोलो, दो पकड़ो तुम पकड़ो। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे आप सब लोग, आपको अमेजिंग ब्लॉग में। तो गाइस हम लोग जा रहे घर पे, बोल साथ में बेटा। हां या दोस्त बेटा, बोलो या। तो गाइस हम लोग जा रहे घर पे। अरे भाई हां
तो भाई हम लोग एक बच्चे गिर गया, तो बच्चा गिर गया गाइस, बहुत उसको जोड़ के चोट लगी गाइस। अभी मैं स्कूल से निकली हूँ बाहर, मेरी स्कूल की छुट्टी हो गई। गाइस हम लोग वहाँ पे मार्केट भी लगाए तो मैं क्या बता रहा, क्या टाइम आ गया यार, मैं अपने बच्चों को स्कूल लेने आ गया यार। ओ भाई लोग संभाल के संभाल के, कैसा अजीब लग रहा है, यकीन नहीं हो रहा यार, कैसा दिन एकदम जल्दी जल्दी जा रहा है यहाँ पर। और इधर पर ईद मिलादुन्नबी की पूरी तैयारी जोरों शोरों से चालू है, और निकल जाएंगे कम से कम 2 से 3 बजे तक का। मेरे बच्चे लोग यहाँ हैं, तो चलो फिर डायरेक्ट आप सबको मिलते हैं घर पे। तो आ गए हम लोग घर पे, अभी बच्चे फ्रेश होंगे तो आप सबसे मिलाऊंगा और बातचीत भी कराऊंगा और नजमा से भी बातचीत कराऊंगा। तो गाइस जैसे कि हम लोग सब लोग रेडी हो गए हैं, तो मैं बोला चलो आप सबसे शेयर करते हैं कि आप सबकी फरमाइश पे मैंने क्या किया हूँ। आप सब लोग खुश हो जाएंगे, बोलेंगे अरे क्या बात है रमीर भाई, एक नंबर दिख रहा है। और ये जो आवाज़ आ रही है ना आंटी गेहूँ छीन रहे, तो उस पर ध्यान मत देना। ये देखो कैसा लग रहा है, आप सब कमेंट में ज़रूर बताना। ये पूरा इसके लिए नहीं गया ना, ये कपड़े डालूंगा ना यहाँ पर सूखने के लिए, तो ये लाइन मैंने छोड़ा हूँ, सिर्फ इतना लिया हूँ। कैसा दिख रहा है, आप सब बोल रहे थे ना कि कैसा है, अभी अच्छा दिख रहा है। और इसके ऊपर पर्दा भी लगाया था, लेकिन बच्चे लोग 50 बार खोल रहे बंद कर रहे, खोल रहे बंद कर रहे, तो वाला पर्दा फट जाएगा। तो चलो बात करते हैं नाजो से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अमरीन समीर ब्लॉग में। और गाइस हम लोग का खाना पीना हो गया है, सब काम धाम हो गया है, तो हम लोग देखो कैसे तैयार हुए, कैसा लग रही गाइस, तो कमेंट में जरूर बताओ। लाइक तो पट्टा तो बराबर से हो रहा, तो हम लोग जा रहे हैं जुलूस देखने के लिए। तो मैं बोला नजमा को बच्चों को लेकर चलता हूँ और आप सब शेयर करेंगे कि यहाँ पर कैसे जुलूस निकलता है। अगर जैसा कुछ प्लान आगे पीछे हुआ तो हम लोग कुछ अलग करने वाले आप सबसे वो भी शेयर करेंगे। चलो तो गाइस आप लोग को वहाँ बताएंगे जब जाएंगे जुलूस का, तो अच्छा लग रहा था पूरा बताएंगे, अच्छा लग रहा है। हाँ रे पसीना नहीं कर रहा है, ये नजमा का लुक है। और आप लोग सोचते रहेंगे कि मेरी बेटी से मैं कब बात कराऊंगा, मेरी बेटी से बात करेंगे आप सब। ये देखो मेरी बेटी इधर खड़ी है, अच्छे से खड़े रहे बेटा, बात करो। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे आप सब, वेलकम आपको कमरीन से ब्लॉग में। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं क्या पर अब्बा, जुलूस देखने। हाँ जुलूस देखने जा रहे हैं। मेरी बेटी तुम्हारा लुक दिखाओ इसको, सीधा खड़े देख के थोड़ा घूम के दिखा दो एक बार सिलो से। हाँ बस बस बेटा माशाल्लाह, अब मेरा बेटा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसा आप सब, वेलकम लोगों का अमरीश ब्लॉग में। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं जुलूस देखने के लिए। हां मेरा बेटा का लुक देखो बाबा, लुक का बन रहा, लुक का बटन कहाँ है, बटन ये लगाओ, गलत लगाया। मैं भी मेरे बेटे को बराबर से पहले शर्ट पहनाता हूँ, उसके बाद में आपसे बात करवाऊँगा। मेरे बेटे का लुक देखते हैं, इधर बेटा गाइस को लुक दिखा अपना, सैंडल पहनेगा ना अभी। तो चलो फिर मिलते हैं आप सबको रास्ते में, तब तक के लिए बी केयर, बाय 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 बाय। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल गए हैं और दोपहर के बज रहे हैं 3:30। जैसा कि आप सबसे शेयर करेंगे कि यहाँ पर जुलूस कैसा निकलता है नानू बाग में, यहाँ पर मेरी बेटी है और मेरी नजमा है और यहाँ पर मेरा बेटा है। चलो चलते हैं, बस मैं रोड पर आ गया हूँ नाके की तरफ, आवाज़ तो आ रही है, चलो चलते हैं। और हमारी मस्जिद के यहाँ से जुलूस निकलेगा, ये गली में है मस्जिद, बताता हूँ आपको, देखो ये गली के अंदर है, हाँ सामने नाका है। ये हमारी मस्जिद के यहाँ से जुलूस निकला, ये वाला हम बता रहे हैं। और बच्चे लोग को इसके लिए झंडा नहीं दिलाना, बच्चे लोग ना क्या करते हैं मालूम, झंडा लेते हैं ज़मीन पे लगाएंगे यार, तो अच्छा लगेगा इसके लिए।
आप लोग जो खड़ा गुजारी से आप लोग जल्दी आ जाइए। जुलूस जाता है हाईवे तक का, हाँ वहाँ से निकलेगा सीधा सीधा ये रोड सीधा हाईवे तक की तरह जाता है हाईवे। तो अभी आ रहे हैं जुलूस धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं, देखो सामने से अभी हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि हम लोग जाते हैं रोशन भाभी की तरफ, थोड़ा उनसे मिल के आते, देखते हैं उन लोग घर में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, थोड़ा उन लोग से मुलाकात हो जाएगी और थोड़ा नाला सुपारा का थोड़ा उधर पे घूम के हो जाएगा हम लोग कहाँ। तो गाइस हम लोग अभी रिक्शे में बैठे हैं और रिक्शे में बैठने के बाद में इतनी ट्रैफिक है यहाँ पर, इतनी ट्रैफिक है कि जवाब पता नहीं, लेकिन क्यों ट्रैफिक है तो आप सबको पता ही है कि आज जुलूस निकलने वाला है। तो हम लोग पहुंच गए नाला सुपारा स्टेशन की तरफ और अभी जा रहे हैं हम लोग वेस्ट में। वेस्ट में ना एक दरगाह है, आप सबसे शेयर करेंगे हम लोग का कौन सी दरगाह है। वो जाने का था मालाट, लेकिन मैं बोला रात में आते आते बहुत टाइम हो जाएगा तो चलते हैं। चलो तो नाला सुपारा वेस्ट में एक दरगाह है, वो आप सबसे शेयर करूँगा कौन सी दरगाह है वो, ठीक है। चलो चलते हैं रपा रप जल्द से जल्द, बहुत ट्रैफिक था लेकिन हो गया, निकल गया। तो हम लोग जा रहे हैं वेस्ट में, यहाँ देखो पार्किंग है पूरी, इधर पे यही बात किया था मैंने लेकिन नहीं हो पाया है। तो जा रहे हैं हम लोग वेस्ट और पहुँच गए यहाँ पर। बच्चे नजमा आगे आगे भाग रहे हैं, बोलो साइड चल बेटा। तो आप सबसे मैं शेयर करूँगा जो बताया था। तो आगे हम लोग वेस्ट में, तो कुछ रिक्शा रिक्शा नहीं पकड़े हम लोग, पैदल ही पैदल चले जाएंगे। तो आगे ही है दरगाह, एक जन से पूछा था तो बोले हाँ आगे ही है, सब तो जा रहे हैं। मुझे भी नहीं पता है, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं, आप सबसे शेयर करूँगा और क्या नाम से दरगाह है। तो हम लोग आ गए हैं फाइनली यहाँ पर, देखो धीरे धीरे हम लोग यहाँ से सीधा जाएंगे अंदर। वहाँ से आए यहाँ पर बच्चे लोग को पीना है नींबू पानी, क्या पिएगी अमरीन बोला, मेरी बेटी को बोला चाहिए, देखो पूछते हैं नजमा को नींबू पानी। अब बोलो तुमको क्या चाहिए बेटा, तुमको भी गोला चाहिए, अरे पाप रे पाप, तो मैं भी नींबू पानी पीऊँगा। ज़रा जानते हैं प्राइस इधर का कितना है। और यहाँ पर देख रहे हैं मेरे सब सर लोग हमारी सहायता में लगे हैं कि झगड़े झगड़े ना हो, ठीक है। चलो चलते हैं पीते हैं फिर आप सबसे अंदर जाएंगे हम लोग यहाँ से, तो शेयर करेंगे कि आप हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आप सब भी नींबू पानी पीने के लिए। और मैंने भाई से पूछा हूँ तो यहाँ पर नाम मशहूर है पहाड़ी वाली दरगाह, ऐसे बोलते हैं ना, नाला सुपारा वेस्ट में पहाड़ी वाली दरगाह। देखो सब जा रहे हैं, सब बच्चे लोग सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। तो हम लोग भी अभी जाएंगे, पहले हम लोग बोले ठंडा वंडा ज़रा पी लें, के बाद मेरा बेटा गोला लिया और यहाँ पर मेरी बेटी है और यहाँ पर नाचो भी। गाइस को तो बुला रहे पीने, गाइस नींबू पानी पी रहे। तो चलो अभी पी लेंगे तो आप सबसे हम लोग शेयर करेंगे। और यहाँ पर हमारा सर लोग है जो कि हमारा बहुत खातिरदारी के लिए लगे हैं कि झगड़े वगड़े ना हो, कुछ मसला नहीं हो, है ना भाई। और यहाँ पर आएंगे तो ये भाई यहीं, तुम यहीं दुकान लगाते अपनी, तो ये भाई की दुकान यहीं लगे रहती है। आप सब भी आके नींबू पानी शरबत जो भी है गोला वोला सब पीते रहने का और मस्त इंजॉय करते रहने का,